HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। गिरिडीह जिले में तंबाकू के सेवन को लेकर होने वाले नुकसान और रोकथाम को लेकर छात्राओं की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। हम सब ने खाना है, तंबाकू को हटाना है। हम सब ने खाना है, हम सब ने खाना है। महिला NSS यूनिट 1 और यूनिट 2 के उन लोगों की ओर से ये रैली निकल रही है, एंटी टोबैको अवेयरनेस रैली। तंबाकू सेवन करना इतनी खतरनाक है, ये सभी के शरीर को इतना क्षतिग्रस्त करता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है इसी तंबाकू सेवन से। इसी की जागरूकता चारों ओर फैलाने के लिए आज हमारे NSS यूनिट 1 और 2 की जो वॉलंटियर्स हैं और उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ऐसी एक रैली निकाल रहे हैं सबको मिलके। और हमारे आस अड़ोस पड़ोस में जो भी दुकानें हैं वहाँ भी तंबाकू सेवन कितना हानिकारक है इसके विषय में उन लोग को भी सचेत किया दिया जाएगा। तो आज इसीलिए ये रैली यहाँ से निकल के काफ़ी दूर शहर को पार करते, मैंने कुछ पोर्शन शहर का पार करते हुए फिर हमारे कॉलेज में उपस्थित होंगे। तंबाकू निवारण दिवस जो 21 मई को होता है उसके अवसर पर आपके महिला महाविद्यालय की ओर से NSS यूनिट 1 और 2 की ओर से एक रैली निकाली जा रही है लोगों की इस जागरूकता के लिए, इस बात के लिए जागरूक करने के लिए कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है और किसी के लिए भी कितना जानलेवा हो सकता है। इस रैली में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शहर का अधिकांश एरिया इसमें कवर करें और जो दुकानें तंबाकू गुटखा पान वगैरह जैसी चीज़ें बेचते हैं जिनसे कि हानि हो सकता है, उनको भी हम लोग ये समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।